कृषि में जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिमों को कम करने के उपाय। ज्यादातर भारतीय किसान आज भी खेती के लिए मौसम पर निर्भर होते हैं और मौसम या जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव सीधा इनकी खेती पर पड़ता है, या यूं कहिए कि पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन ने खेती और खेती करने के तरीकों को बहुत प्रभावित किया है। अधिक पैदावार की चाहत ने मनमाने तरीके से खेती करने को प्रोत्साहित किया है। परिणाम स्वरूप पैदावार में तो वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का भी काफी नुकसान हुआ। इसलिए अब वक्त आ गया है जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खेती में अपनी उपज बढ़ाने का तरीका ढूंढे, और ये सही तरीका है CSA अर्थात क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग, खेतों की कई बार एवं गहरी जुताई, सिंचाई का अनियंत्रित तरीका, एक ही खेत पर सालों से एक ही फसल को लगाना, खेतों से जल निकासी का कोई तरीका नहीं होना, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग इत्यादि, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से पर्यावरण का काफी नुकसान होता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमें ये बतलाता है कि कैसे हम अपनी खेती के तरीकों में बदलाव कर उपज को बढ़ा सकते हैं और उससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान को भी कम कर सकते हैं। आज हम विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे खेती में जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे पहला, प्रतिरोधी किस्म के बीजों का उपयोग कर। अब हमें अपनी फसल के लिए ऐसे बीजों का चुनाव करना होगा जिस पर खराब मौसम या प्रतिकूल मौसम का कम से कम प्रभाव पड़े और उपज में भी वृद्धि हो। दूसरा, मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखना। बेहतर उपज के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना या उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए आपको अपने खेतों की सीमित अथवा कम से कम जुताई करनी होगी। पिछली फसल के अवशेषों जैसे पराली को नहीं जलाना तथा खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ देना होगा। जमीन को कभी भी परती या खाली नहीं छोड़ना। जमीन को खाली छोड़ने से मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। इसके अलावा मल्चिंग करने के लिए जैविक तत्व जैसे घास, पुआल इत्यादि का ज्यादा प्रयोग करना। तीसरा, फसल चक्र में सुधार करना। फसल चक्र में विविधता लाकर, मतलब कि हर साल अलग अलग फसल लगाकर आप अपने फसल में लगने वाले रोग के चक्र को तोड़ सकते हैं। इससे बीमारी से होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, जिससे अच्छी फसल मिलती है। चौथा, जैविक तथा एकीकृत कीट प्रबंधन है। इसके तहत आपको कीट प्रबंधन की ऐसी विधियों को प्रोत्साहित करना होगा जिससे फसलों में रोग कम लगे, पर्यावरण का नुकसान कम हो और उपज भी अच्छी मिले। इसके लिए आपको फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवानी होगी और बीज का उपचार करना होगा, खरपतवार नियंत्रण करना होगा, ट्रैप प्लांट और फेरोमोन ट्रैप इत्यादि का प्रयोग करना होगा। पांचवा, नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद का संतुलित एवं समुचित प्रयोग करना होगा जिससे मिट्टी को कम से कम नुकसान हो। छठा, जल संरक्षण या पानी का बचाव है। खेती में पानी की बर्बादी एक बड़ी समस्या है। किसानों को इस बात का एहसास करना जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम पानी दोनों ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपनी फसलों की सिंचाई जरूरत के हिसाब से करें। ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर से सिंचाई इसका बेहतर उपाय है। वर्षा के पानी को ठीक से जमा कर उसका खेती में प्रयोग करना भी इसका एक बेहतर उपाय है। और अंत में, फसलों का बीमा कर आप अपनी खेती में होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन सभी उपायों को अपनाकर एक तरफ अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों को भी कम कर सकते हैं और स्मार्ट किसान बनने की राह में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं।